नमस्कार, मैं हूं पंडित राकेश झा और आप सभी का navbharattimes.com पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय कोरोना संकट से आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूप में मानसिक परेशानी से गुजर रहे होंगे। इस बीच मई महीने का आरंभ हो गया है। मई के पहले दिन बुध वृष राशि में आ रहे हैं। इस महीने में वृष राशि में ही सूर्य और शुक्र, इन तीनों ग्रहों का समागम होने जा रहा है। महीने के अंत में शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। ग्रहों के इस बदलाव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, मई में आपके जीवन में क्या बदलाव होने जा रहा है, आइए इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं मई महीने का मासिक राशिफल और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि इस महीने में आपके खर्चे बढ़ेंगे। शुभ कार्यों और निवेश पर भी आपका धन व्यय हो सकता है। पारिवारिक जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए आपको क्रोध पर काबू रखना होगा। भाई बहनों से तालमेल बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि, यह महीना वृष राशि के लिए सुखद रहेगा। परिवार में तालमेल और प्रेम बढ़ेगा। पूर्व में जो भी आपने मेहनत की है उसका सुफल आप पा जाएंगे। कुछ नए काम भी इस महीने में आप आरंभ कर सकते हैं। भगवान शिव जी का अभिषेक करें। मिथुन राशि इस महीने मन विचलित रहेगा। गैर जरूरी खर्चे भी आपको परेशान करेंगे। अगर आप नौकरी में बदलाव लाना चाहते हैं तो प्रयास करना चाहिए, आप सफल हो सकते हैं। यात्रा करनी पड़ सकती है। सामान्य आय बनी रहेगी। बहुत ही उम्मीद न करें कि आपको कहीं से खूब सारा पैसा मिल जाएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करना फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि इस महीने में कर्क राशि के लोगों को अपने ही विचारों में खोते हुए आप पा सकते हैं। खर्च खूब होते रहेंगे लेकिन आय भी इनकी बनी रहेगी। सेल्स मार्केटिंग से जुड़े लोगों को टारगेट पूरा करने के लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो दिमाग का घोरा और बुद्धि की लगाम थामे रखनी होगी। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि यह महीना सिंह राशि के लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। जरूरी और महत्वपूर्ण काम महीने के पहले भाग में निपटा दें तो बेहतर होगा, बाद में काम अटक सकता है। पारिवारिक जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से चिंता और परेशानी बनी रह सकती है। आंखों में तकलीफ रहेगी, चोट लगने की भी आशंका है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। सूर्य देव को सुबह सुबह उठकर जल देना फायदेमंद रहेगा। कन्या राशि इस महीने कन्या राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करना होगा। वरिष्ठ जनों से संपर्क बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में परेशानी बनी रह सकती है। कुछ गैर जरूरी खर्चे भी इस महीने आपके होंगे। अगर कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं तो इस महीने के आरंभ में ही यह काम कर लें। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखना होगा। किसी से कहा सुनी भी हो सकती है। पढ़ाई में छात्रों की रुचि बनी रहेगी। गुरुजनों से आशीर्वाद लेना चाहिए। तुला राशि इस महीने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से तुला राशि के लोग कुछ परेशान रह सकते हैं। मानसिक परेशानी और आंखों में तकलीफ की आशंका है। यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी। कारोबार में उतार चढ़ाव एवं नौकरी में तनाव बना रह सकता है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। जीवन साथी से सहयोग पाएंगे। सफेद चंदन का तिलक लगाएं। वृश्चिक राशि इस महीने में वृश्चिक राशि वालों को सेहत का ध्यान रखना होगा। इनकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। खर्चे भी आपके बने रहेंगे। बनते काम भी किसी न किसी कारण से बाधित होने से मन खिन्न होगा। विलंब से काम बन जाएंगे, प्रयास करना आपको पड़ेगा। लेकिन अपने क्रोध और उलझन को हावी ना होने दे। परिवार में तनाव बना रह सकता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल लगाकर लेपन करें, फायदा होगा। धनुराशि मई महीने में आप कुछ घरेलू उलझनों को लेकर व्यस्त और परेशान रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। खर्च अधिक होगा। अनावश्यक भागदौड़ के कारण आपको कष्ट हो सकता है। किसी संबंधी की सेहत को लेकर आपको कष्ट हो सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर राशि
अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए मई का महीना मिला जुला रहेगा। प्रतिष्ठा और प्रभाव में इनकी वृद्धि होगी। धन लाभ के अवसर भी आपको प्राप्त होते रहेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में परेशानियां उलझन बनी रहेगी। कारोबार में कठिनाइयां आएंगी। क्रोध पर काबू रखना होगा। संयम से काम लें और शनि स्तोत्र का पाठ करें। कुंभ राशि के लिए मई का महीना सेहत में उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ परेशानी बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष आपका सामान्य रहेगा। धन के मामलों में किया गया प्रयास सफल होगा। कार्य क्षेत्र एवं कारोबार के मामले में यह महीना आपको उलझाए रखेगा। और अंत में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए मई का पहला भाग लाभकारी रहेगा। कारोबार में लाभ और कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। किस्मत आगे बढ़कर मदद करेगी। अटका काम आपका तेजी से बनेगा। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध भाग में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। उल्टे सीधे काम में आपका समय नष्ट होगा। आप सभी सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर की आप सब पर अनुकंपा बनी रहे, यही कामना करता हूँ। नमस्कार। और आप देखते रहें नभाटाइम्स.com।